गुटबाजी अब मारपीट गाली गलौज में बदल चुकी है। आपको बता दें शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेसियों में बवाल हो गया, दो कांग्रेसी गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। इसी के साथ निवर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कांग्रेसियों के साथ जमकर गाली गलौज करते वो भी देखे गए और तस्वीरें भी देखी वायरल हुई। शारिक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए खबर पर। शारिक देखिए कांग्रेस के दो गुट हैं आपस में भिड़ते हुए देखे जा रहे, तो कांग्रेस में वैसे भी लोगों के बीच मन मुटाव और ऐसे कि इसके बाद अब ऐसी तस्वीर ये दिखाती है कांग्रेस अंदर से भी खोखली होती जा रही है। बिल्कुल शिवानी, देखिए काफी समय से बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस में खासी गुटबाजी है और ये गुटबाजी की बात बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है इस पर, और ये मार्केट में भी तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दो गुट जो कांग्रेस के थे, जफर नकवी का गुट और दूसरा निवर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह का, इनको लेकर जो है बातचीत बढ़ती गई और जो सैफ अली नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी इस मारपीट में शामिल हुए। जमकर गाली गलौज हुई है, कई लोगों के कपड़े फटे हैं। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, यहाँ पर जरूर वो प्रदर्शन सड़कों पे भरे ना प्रदर्शन दिख रहा हो, इस मारपीट से प्रदर्शन जरूर अव्वल दर्जे का दिख रहा है। और ये जिस तरह से मारपीट हुई है वो कई सवाल भी खड़ा कर रही है गुटबाजी को लेकर। बिल्कुल शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।